प्रीवियस वीडियो में जाना था कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की क्या होती हैं। अब हम जानेंगे कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या होती हैं। व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होता है। अब बात ये उठती है कि भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। वी डू नो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हो रहा होता है, और हमने ये अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में समझाया भी था, बट यहाँ पर हम उसे दोबारा सेलिब्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है सिस्टम में जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली है, और रिवर्सिबल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, और जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो सो द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। रेशियो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अनचेंज रहे, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होती रहे। अब देखिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है सिस्टम के अंदर जो अचीव होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है, हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। सो अगर मैं ये कहूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो यानी कि दोनों का तनासुब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा होता है। सो वी कैन से कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस तरह से नहीं होता कि 50% रिएक्टेंट है तो 50% प्रोडक्ट होगी। 50-50 का चांस नहीं होता। ये होता है तब जब आपके पास अगर 20% रिएक्टेंट है तो 20% प्रोडक्ट भी हो, मतलब के इक्वल रेशियो हो। इट्स नॉट जस्ट डिपेंडिंग कि 100% में से हमारे 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट हो, ऐसा नहीं होता। बस क्या चीज है इंपॉर्टेंट समझने वाली, कि इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती रहेगी। देखिए किस तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने में हेल्प आउट कर रहा होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्योंकि रेस्ट की पोजीशन में नहीं आ रहा होता, ये कंटिन्यूड प्रोसेस के अंदर आ रहा होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एज वेल। हमने जैसे कि डिस्कशन भी की थी हमने लेक्चर के अंदर कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के दौरान में ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होता रहेगा थ्रू आउट रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया और स्टॉप होने के बाद में आपको पता चला कि भाई दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है। दैट्स नॉट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द कंटिन्यूड प्रोसेस। ये कंटिन्यूड प्रोसेस होता है, कंटिन्यूएशन में होता है, और जब ये चीज कंटिन्यूएशन में होती है सो इसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती रहेगी, यहां से वहां और वहां से यहां मॉलिक्यूल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन इन दोनों का रेशो एक दूसरे के इक्वल रहेगा। यानी कि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे, तभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। दैट्स व्हाई वी से कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के अंदर अचीव हो रहा होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि हमने डिस्कस की थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाइक आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, तो मेरे ऊपर इतनी सारी फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तभी मैं एक जगह पे खड़ी हुई हूँ, मैं रेस्ट की पोजीशन पे हूँ। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं। व्हाई, क्योंकि तमाम फोर्सेस जो हम पर पड़ रही होती हैं, नीचे की जानब से, ऊपर की जानब से, यहाँ और यहाँ, दाएं बाएं से, वो सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं, सो फिर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहे होते हैं। तो दुनिया के अंदर जो भी चीजें स्टिल रखी हुई है ना, लाइक आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर,
लाइक मैं कहूँ जिस डिवाइस के अंदर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं वो भी रखी हुई है कहीं पे, ठीक है? तो उसके ऊपर जो भी फोर्सेस पड़ रही हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तभी अगर वो रेस्ट के अंदर है, आप बैठ के आराम से मेरा लेक्चर देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजिशन पर हैं। सो हमने यहाँ पर तो आपको बताया कि इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब ये बढ़ते हैं जानने के लिए कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डायनेमिक इक्विलिब्रियम की क्या होती हैं, वो भी इसी से रिलेट कर रही हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ इट, सो यू कैन गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है? तो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, चाहे केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, चाहे केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो, लेकिन अगर वो रिएक्शन एक ऐसे सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा जो बंद है, तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। नो कंडीशन ऑफ इट, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ओके, जब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रही होती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशंस पर डिपेंड कर रही होगी वो चीज। जिस तरह अगर आप कोई चीज बाय करने के लिए जाते हो, ठीक है, या फिर अगर हम कहें कि इन दिनों के अंदर अगर आपके पास कोई वाउचर वगैरह आता है फूड खरीदने के लिए, ऑनलाइन मंगवाने के लिए, तो वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि अगर आप उस रेस्टोरेंट से या उस फूड कोर्ट से या फिर उस ढाबे से खाना मंगवाओगे तो तब आपकी ये वाउचर जो है, वाउचर नंबर अप्लाई होगा। इट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है। बिल्कुल इस तरीके से डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए भी हमारे पास कंडीशन क्या है कि वो क्लोज सिस्टम हो, तो क्लोज सिस्टम के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हो रहे हैं, सो वी डू से कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, और दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे होते हैं, और ये काम इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो रहा होता है, ठीक है? सो क्लोज सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों दूसरे के इक्वल होंगे तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पर वो मौजूद होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर मैं कहूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं होती है, इवन के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं हो रही होती हैं, आपको नजर होती भी नजर चेंज होती भी नजर नहीं आ रही होती। ओके, सही, ये हो गया। अब हम आगे बढ़े और ये देखें कि क्या हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होती है, नहीं होती है, तो बात हमें पता है पहले से। अगर मुझे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना हो या मुझे इक्विलिब्रियम को अचीव करवाना हो तो क्या मैं कर सकती हूँ किसी चीज से? यस, मैं कर सकती हूँ। हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय दीज फैक्टर्स। ओके, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, And pressure. Okay, so we can say that we can disturb by changing what? Concentration, temperature and pressure. इन तीन चीजों को चेंज करके हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एक क्लोज सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रहा है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में से मैं क्या करूं, मैं उसको खोलूं क्लोज सिस्टम, पहले उसको ओपन सिस्टम करूं, उसमें से कुछ चीज निकाल दूं और फिर मैं उसको दोबारा बंद कर दूं, तो मैंने क्या किया, असल में मैंने रिएक्शन जो हो रहा था उसके अंदर से कुछ चीज को निकाल दिया है।
तो उसके अंदर वेरिएशन तो आएगी। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। यही तो हो रहा होता है किसके अंदर, हमारे पास सोडा कैन के अंदर, जो कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दी थी। सोडा कैन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, और जब हम इसको शेक करते हैं तो हमें नजर भी आ रही होती है ना कि बबल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप उसको स्टिल रखते हो तो बबल्स दोबारा से उसके अंदर पानी के साथ में मिक्स हो जाते हैं। पानी के साथ मतलब जो भी आपकी ड्रिंक होती है उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब आप उसको खोलते हो और ग्लास में पोर करते हो, तो फिर उसके बाद में, अब वो पहले तो क्लोज सिस्टम था, क्लोज सिस्टम से अब वो बन गया है ओपन सिस्टम के अंदर, कि आपने ग्लास में इसको इन्वर्ट कर दिया है। जब आप ग्लास में इन्वर्ट कर देते हो तो फिर आपको बबल्स नजर आ रहे होते हैं। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के अंदर मौजूद थी वो अब क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो तभी आपको नजर आ रहा होता है कि बबल्स बन रहे हुए नजर आ रहे होते हैं। और अगर आप बहुत दिनों तक एक सोडा कैन को खोल के रख दो, यानी कि सोडा कैन ले लीजिए, या फिर आप जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं फिजी ड्रिंक्स जिनके अंदर बबल्स होते हैं, उनको अगर आप खोल के और 2, 3, 4, 5 दिन तक उसको यूज करो, तो फिर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बचती नहीं है। तो फिर इसलिए उसके अंदर झाग भी नहीं होता है, क्योंकि आप वो खोलते रहते हो उसको, सही है। तो वो इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब अगर आपको उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरवानी हो ना, तो फिर आप क्या करें, आप उसे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वैसे डाल सकते हो, फिर उसको बंद कर दो। तो फिर जब आप दोबारा से उसको खोलोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिजी ड्रिंक आपको मिल जाएगी, सही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बेटे मैं आपको बताती चलूं। देखिए, हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए कुछ जो हमारी मिथ्स है ना वो तोड़ी हैं, जो शायद आपके दिमाग में बन गई हो, कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। हमने कहा ये नहीं होता, असल में क्या होता है, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अनचेंज रहता है। कंसंट्रेशन तो चेंज होती रहती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, क्योंकि वो क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोसेस में होता है, ओके। सो अगर हम ये कहें कि हमारा रिएक्शन चल रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाना है, तो पहले जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, तो फिर उस वक्त क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी जा रहा होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। इट मीन्स कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ में चलता रहता है हर वक्त, ओके। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो रहा होता है आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और आइदर फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक हमने इन तमाम चीजों को यहाँ क्लैरिफाई कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस करते रहना है हमसे। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।